दोस्तों, जब भी हम चीन का नाम सुनते हैं तो कोरोना वायरस और छोटी आंख वाला राष्ट्रपति सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि चीन का भेजा हुआ कोरोना वायरस बड़े मजे से वर्ल्ड टूर कर रहा है। बेशक चीन के लोगों की आंखें छोटी हो, लेकिन इनका मुंह इतना बड़ा होता है कि ये लोग आसमान में उड़ता हुआ पक्षी और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े बड़े मजे से खा लेते हैं। इनका खाना देखकर हम इन्हें ये भी नहीं कह सकते कि कीड़े पड़े इन चीनियों को, क्योंकि ये पागल लोग उसे भी खा जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको चीनी लोगों के कुछ अजीब खानों से रूबरू करवाएंगे, जिसे देखकर आपके मन में इनके लिए सिर्फ गालियां ही निकलेंगी और आप यही कहेंगे कि हे भगवान, ये चीनी क्या क्या खा जाते हैं। नंबर एक, स्कॉर्पियो। कहते हैं बिच्छू अगर किसी को डस ले तो उसके शरीर में जहर फैलने लगता है, पर चीनी लोग इसे भी बड़ी आसानी से खा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उनका जहर तक नहीं निकालते, बल्कि इनका मानना है कि तेल में बिच्छू को फ्राई करने से उसका जहर निकल जाता है और इन बिच्छू को ये चीनी बड़े मजे से खाते हैं। बिच्छू यहाँ का फेवरेट फूड माना जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर फूड मार्केट और रेस्टोरेंट में आसानी से मिल जाएगा। नंबर दो, क्रोकोडाइल। दोस्तों, मगरमच्छ जिससे लोगों को दूर रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन इन चाइना वालों ने तो इन्हें भी नहीं छोड़ा। देखिए कितने मजे से क्रोकोडाइल को पकाकर आराम से खा रहे हैं। लोग अब मगरमच्छ का कबाब बनाकर भी खाने लगे हैं। चीन में इन दिनों मगरमच्छ कबाब बेहद लोकप्रिय हो रहा है, जिस मगरमच्छ को देखकर अच्छे अच्छे लोगों के तोते उड़ जाते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे ये लोग मगरमच्छों के तोते उड़ाने में लगे हैं। नंबर तीन, स्नेक। जिंदा सांप से बने डिशेज चाइनीज शेफ की खासियत है। इस डिश को बड़ी तेजी से बनाया जाता है ताकि इसे जिंदा खाया जा सके। शेफ को सिर अलग कर सांप की स्किन और आंतें निकालनी होती है। इसके बाद सांप का ताजा और कच्चा मीट ही परोसा जाता है। यहाँ पर स्नेक के सूप को बहुत मजे से पिया जाता है। पहले इन सांपों को गर्म पानी में धोया जाता है, इसके बाद काटा जाता है, और कई बार तो काटते वक्त ये सांप हिल भी रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लोग इससे डरते नहीं है। नंबर चार, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो कि एक समुद्री जीव है, पानी में पाया जाता है। कोई इसे खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन चाइना में लोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑक्टोपस को बड़े मजे से खा जाते हैं। इन ऑक्टोपस के ऊपर ये लोग तरह तरह के मसाले डालकर उसको नूडल के साथ खाते हैं। जब इन ऑक्टोपस को थाली में परोसा जाता है तो ये कभी कभार हिल भी रहे होते हैं। ऑक्टोपस का मिलने वाला ये मांस चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नंबर पांच, शिप हेड। सांप को खाने वाले चाइनीज वाले गधे के सर को भी कैसे छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना के लोग बड़े मजे और आराम के साथ कुत्ते के सर को भी खाना पसंद करते हैं, और ये खाना यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये गधे के सर की हर चीज खा लेते हैं, यानी कि आंख, नाक, दिमाग। अगर इनके बस में हड्डियों को खाना होता तो वो उसे भी नहीं छोड़ते। नंबर छह, रेनबो लॉबस्टर। जिस जीव को अभी आप देख रहे हैं, ये दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसे रेनबो लॉबस्टर के नाम से जाना जाता है। पर दुख की बात यह है कि ये चाइनीज लोग इसे भी नहीं छोड़ते। इस खूबसूरत और सुंदर से दिखने वाले जीव को ये चाइनीज काट कर खा जाते हैं। यहाँ पर इस फूड की कीमत $600 है, जिस वजह से यहाँ के अमीर व्यक्ति ही इस फूड को खा सकते हैं। ये लोग इस जीव को काट कर थाली में सैलेड के साथ परोसते हैं। नंबर सात, ब्लो फिश। अगर आप सी फूड के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे ब्लो फिश समुद्र के तल में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक जीव है, जिसका जहर है, कई लोगों को इकट्ठे मार सकता है। लेकिन चाइना के लोगों ने इसे भी अपना भोजन बना लिया है। चीन में दूसरा पॉपुलर जिंदा खाया जाने वाला जानवर ब्लोफिश है। इससे बनने वाले इस डिश को यिंग यांग यू नाम से जाना जाता है, और सिर्फ इसको कोई आसान शेफ नहीं बना सकता, बल्कि इसे बनाने के लिए काफी एक्सपीरियंस वाले शेफ की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चाइना की इन अजीब हरकतों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।